हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, उसमें काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। हमने देखा था कि कैसे जो है 200 साल पहले जो है बच्चों की जो चिल्ड्रंस है उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, क्या वो स्कूल जाते थे या गर्ल्स और बॉयज दोनों स्कूल जाते थे। तो हमने देखा था कि गर्ल्स को स्कूल जाने का अधिकार नहीं हुआ करता था। हमने सती सिस्टम के बारे में देखा था, सती सिस्टम को कैसे अपोज किया गया उसके बारे में देखा था। ठीक है, जो चेंज है, ये जो जो रूढ़िवादी जो प्रथा चलते आ रही है उसकी चेंज के लिए जो है रिफॉर्मर्स वर्क कर रहे थे, हमने उनके बारे में देखा था। कौन से मेन रिफॉर्मर्स हैं, जैसे कि राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती हो गया। ठीक है, और भी हमने काफी सारे लोगों के बारे में देखा। हमने देखा 1829 में सती सिस्टम जो है बैन कर दिया गया था। हमने ये जो अजीब अजीबोगरीब ट्रेडिशन है उसके बारे में देखा था। और उसके साथ साथ जो है हमने ये भी देखा कि जो जो विडोज हैं, ठीक है, विडोज के रीमैरिज के लिए भी काफी लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए भी एक्ट लेके आ रहे थे, उनके लिए हेल्प कर रहे थे जो विडोज हैं उनके लिए। और हमने ये भी देखा था कि गर्ल्स, ठीक है, अब लड़कियां जो है वो भी स्कूल जाना चालू कर दिया है। कई जो वेल्दी पीपल्स हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें छोटे छोटे स्कूल स्टार्ट सेटअप कर दिए थे गर्ल्स के लिए, और जो नहीं जा पा रहे थे उनको उसके फादर्स हो गए या हस्बैंड्स हो गए वो घर में ही पढ़ा दिया जाता था, पढ़ा दिया करते थे। तो हमने यहाँ पिक्चर तक देख लिया था, ये पिक्चर देखा था हमने जो हिंदू महिला विद्यालय है उसका। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे वुमेन राइट अबाउट वुमेन, कि वुमेन्स जो है वो खुद है ना अपनी व्यथा, जो वुमेन्स है उनकी व्यथा के बारे में लिख रही है। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। तो अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है, वो मुस्लिम वुमेन, ठीक है, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल है ना, उन्होंने अच्छा रोल है ना, एक नोटवर्दी रोल प्ले किया प्रमोट है ना एजुकेशन, वुमेन्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने क्या फाउंड किया, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, ठीक है, एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने चालू करवाया अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन, ठीक है, जिस रिमार्केबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, जो जिसको याद करने लायक हो, ठीक है। तो बेगम रोकिया, ठीक है, रोकिया सखावत हुसैन, इन्होंने भी स्टार्ट किया मुस्लिम गर्ल्स इन पटना, स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। शी वॉज अ पियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडिया आर्गुइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एंड इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। तो ये क्या है, बिल्कुल निर्भय थी, मैं इनको कोई डर नहीं था, आलोचना बहुत आलोचना करती थी जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं है ना, जो रूढ़िवादी आइडियाज हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं। और ये आर्ग्यू करती थी कि ये बोलती थी कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं सभी धर्म के, वो क्या है, हमेशा जो है उन्होंने वुमेन्स को एक नीचा कद दिया है, एक इंफीरियर पद दिया है। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगैन टू एंटर यूनिवर्सिटी, और 1880s के आते आते जो इंडियन वुमेन है वो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ने लगे। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स, और बहुत सारी जो वुमेन्स हैं अब क्या है, पढ़ लिख के डॉक्टर्स भी बन रही हैं और टीचर्स भी बन रही हैं। मेनी वुमेन बिगैन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो बहुत सारी जो वुमेन है वो क्या है, अब लिखना चालू कर दिया था उन्होंने, अब वो पब्लिश करती थी, ठीक है, लिखवाती थी, पब्लिश होती थी उनकी जो बुक है, जो उनके आलोचना वाले जो व्यूज हैं, ठीक है, जो वुमेन्स का प्लेस है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो वुमेन्स की जगह है उनके बारे में जो है वो लिखा करती थी। वैसे जैसे ही ताराबाई है ना, ऐसी ताराबाई शिंदे, वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो वैसे ही ताराबाई शिंदे, ठीक है, एक वुमेन है जो घर में ही जिन्होंने पढ़ा, ठीक है, पुणे की थी ये, पुणे की, उन्होंने एक बुक पब्लिश की स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, इसमें कंपैरिजन बताया गया वुमेन और मैन के बीच में। इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इन्होंने आलोचना की है जो सोशल डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन के बारे में उसके। तो यहाँ पे उनके वर्स दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है उनके बुक का, तो वंस अ वुमेन्स हस्बैंड डाइज, तो यहाँ पे बता रही है कि जैसे ही एक वुमेन है उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, मतलब वो विधवा हो जाती है, तो उनके साथ क्या होता है। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, सॉरी, पंडिता रामबाई के पिक्चर के बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इनके बुक के बारे में देखते हैं। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे रोक इन्हें लिखती है, इज इन द वुमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज यूर इज
टू यू, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एक वुमेन का लाइफ है ना, जैसे कि तुमको और तुम्हारा लाइफ प्यारा है, वैसे एक वुमेन को भी उसका लाइफ प्यारा है। इट्स एज इफ वुमेन्स आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मैन ऑल टुगेदर, मेड फ्रॉम डस्ट फ्रॉम द अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, वेयर एज यू एंड योर लाइफ आर मेड फ्रॉम प्योरेस्ट गोल्ड। तो यहाँ पे वो मतलब किसको प्रोटेक्ट कर रही है, मेन्स को, ठीक है, मैन को बोलना चाह रही है कि भाई वुमेन्स जो है उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वुमेन्स जो है वो मिट्टी से बनी हुई है, मट्टी से बनी बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है ना, रस्टेड आयरन से बनी हुई है, आप ये सोचते हो, ठीक है। लेकिन जैसे और तुम्हारा लाइफ किससे बना हुआ है ना, तुम्हारा लाइफ क्या सोने से बना हुआ है, मतलब प्योर गोल्ड से बना हुआ है। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मेंट, आई मेंट वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि क्या क्या मतलब वो पूछना चाह रही है कि जैसे ही एक हस्बैंड मरता है ना, एक वुमेन का हस्बैंड मर जाता है, वो क्या छोड़ के जाता है भाई, उसके लिए पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बस ये बात की जा रही है कि हाँ भाई उसका हस्बैंड मर गया, मतलब वो बहुत ही इल फेट है ना, इस तरीके की बातें होने चल रही है। एकदम क्या बोलते हैं वो, एकदम हिंदी में बोलते हैं, एकदम कलमुगी है, और मतलब इसके कारण ही मतलब अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है हमारे घर में, इस तरीके की बातें होने लग जाती है। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर्स ऑफ हर हेड जस्ट टू कूल योर आईज। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब जैसे ही वुमेन विधवा हो जाती है, वैसे ही क्या है, बार्बर आ जाता है, जो नाई आ जाता है उसके पूरे बाल को मुंडने के लिए, मुंडवाने के लिए, उसके पूरे जो बाल के कर्ल्स है, मतलब पूरे जो हेयर है उसको, मतलब क्या है, उसको गंजा कर दिया जाता है। शी शट आउट फ्रॉम शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग्स रिसेप्शन एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेशन दैट मैरिड वुमेन को गो टू, और उसको रोक दिया जाता है पूरे जो वेडिंग्स हो गए, ठीक है, और रिसेप्शन हो गए, और कोई भी मतलब अच्छा काम जहाँ पे हो रहा है, ऑस्पिशियस ओकेशन, अच्छा काम हो रहा है, भला काम हो रहा है, वहाँ पे भी उनको जाने से मना कर दिया जाता है जहाँ एक मैरिड वुमेन जा सकती है। एंड वाई ऑल दिस रिस्ट्रिक्शन, क्यों इतने सारे रिस्ट्रिक्शन भाई, बिकॉज हर हस्बैंड डाई, शी इज अनलकी है ना, उसका लक ठीक नहीं है, अनलकी है और इल फेट है, मतलब उसका उसकी किस्मत खराब है, और उसकी किस्मत क्या खराब है, उसको सिर पे लिखवा के आई है क्या, ये सारी चीजें जो बोला। और हर फेस इज नॉट टू बी सीन इन बैड ऑमेन, और उसका अगर फेस कोई देख लेता है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ गलत हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है पंडिता रामबाई, पंडिता रामबाई इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो पंडिता रामबाई, ठीक है, एक बहुत पढ़ी लिखी संस्कृत में विद्वान थी, तो ये इनको इनको क्या लगा, जो हिंदुइज्म है, ठीक है, हिंदुइज्म जो है वो अत्याचारी तरीके से मतलब वुमेन्स को दिखाता है, और उन्होंने इसीलिए वो बुक लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया जो अपर कास्ट सोसाइटी होती है, जहाँ वुमेन, हिंदू वुमेन की, उनकी लाइफ कितनी बेकार होती है, माइजरेबल लाइफ होती है, दुख भरी लाइफ होती है। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव। और इन्होंने क्या फाउंडेड किया, एक विडोज होम पूना में, ठीक है, एक शेल्टर होम बनाया विडोज के लिए, जहाँ पे उन औरतों को रखा जाता था जिनके हस्बैंड्स जो हैं, हस्बैंड्स के रिलेटिव्स जो हैं, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे। हियर वुमेन्स वे आर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, और यहाँ पे वुमेन्स को ट्रेनिंग भी दी जाती थी ताकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, है ना, पैसे वगैरह कमा सके। तो यहाँ पे पंडिता रामबाई की पिक्चर दी गई हुई है। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, अब ये सब चीज जो है, जो ऑर्थोडॉक्स है, हिंदू और मुस्लिम दोनों, उसको क्या है, बहुत ही धक्का पहुंचाते थे। फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वेयर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दे दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिलीज वैल्यूज। तो जो हिंदू नेशनलिस्ट है उनको क्या लगता था कि हिंदू वुमेन्स जो है, ठीक है, इस तरीके का से जो वेस्टर्न वेज है ना, पढ़ लिख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये जो वेस्टर्न तरीका जो अपना रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, उनका जो हिंदू कल्चर है वो क्या होगा, करप्ट हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, और उनकी जो फैमिली वैल्यूज है वो भी खराब हो जाएगी। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वेयर ऑल्सो वरीड अबाउट दिस इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज, और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी है यही चीजें सोचा करते थे। एज यू हैव सीन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्फ्स वेयर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है, हमने जब 19th
सेंचुरी तक हमने देख लिया था कि वुमेन्स जो है खुद के, है ना, खुद के बदलाव के लिए वर्क कर रही थी। तो वो क्या क्या लिखती थी, वो उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया, मैगजीन के एडिटर्स बन गई, फाउंडर, बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले और वुमेन्स का एसोसिएशन भी बनवा लिया। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सरीज सफरेज, द राइट टू वोट एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। तो अर्ली 20th सेंचुरी के आते आते, ठीक है, उन्होंने क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाया, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो क्या बोलती थी कि हमको भी राइट टू वोट चाहिए, ठीक है, फीमेल सफरेज, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, है ना, अच्छा है, बेटर हेल्थ कंडीशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए ताकि वो अपने लिए भी केयर कर सके, और एजुकेशन भी चाहिए उनको वुमेन्स के लिए। Some of them joined various kind of nationalist and social movements from 1920s. So 1920s के आते आते बहुत सारे जो movements है वो nationalist जो movement चल रहा था और socialist movement चल रहे थे उनको भी वो join करने लग गई। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. तो 20th सेंचुरी के आते आते लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला, वो झुक गए और जो इनका जो सपोर्ट था, है ना, जो इनका डिमांड था उसके उसके तरफ झुक गए और बोले कि हाँ भाई ग्रेटर, उनको तो उनको इक्वलिटी भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगा, और नेशनल लीडर्स जो है, नेशनलिस्ट लीडर्स जो है, वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनको राइट टू वोट देंगे, पूरा अधिकार देंगे, जैसे कि मेन को मिलता है वुमेन को भी मिलेगा, पूरा ऑल मैन जो वुमेन है उनको इक्वल राइट मिलेगा वोट करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में, और तब तक क्या है, आज़ादी पाने के लिए उनको क्या है, उनका साथ देना है। तो टिल देन दे आस्ट वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, सो एंड जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल्स चल रही थी उसमें उनको कंसंट्रेट करने के लिए बोला, और उसके बाद जो है जो सारी जो उनके डिमांड्स है उनको पूरी कर दिया जाएगी। तो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में हमको देखना है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और एक लड़का है, दोनों 8 साल के हैं और इन दोनों की शादी हो गई है। तो फिगर 8 में ब्राइड एट द एज ऑफ 8, ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के पहले पहले की ये पिक्चर है ना, स्टार्टिंग की पिक्चर है। डिड यू नो दैट इवन टूडे ओवर 20% ऑफ गर्ल्स आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। तो आज भी छोटे छोटे जो गाँव कस्बे हैं वहाँ पे 18 साल का के होने का की उम्र नहीं देखा करते, 18 साल से पहले पहले जो है बच्चों की शादी करा देते हैं, और 18 साल के आते आते तक वो माफी बन जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर आप अभी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए 18 ईयर्स क्या एज होती है। अभी तो खैर लॉस और चेंज हो गए हैं, 18 से ज्यादा हो गया, 21 ईयर्स हो गया है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज को हमको देखना है। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग्स ऑन दिस इश्यू द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म अगेन स्ट्रेंथ। तो जैसे कि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनने लग गए और बहुत सारे इश्यूज है उनमें लिखना स्टार्ट कर दिया, तो चेंजेस के लिए बहुत सारा स्ट्रेंथ आ गया, चेंजेस को बहुत ज्यादा बोला, मतलब लोगों ने बढ़ावा देना चालू कर दिया। तो पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश कस्टम, तो लोगों ने एक और जो कस्टम है उसको चैलेंज किया, वो क्या था, चाइल्ड मैरिज। देवर नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेटर जो विधायक वगैरह होते हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सो फॉर टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, उन्होंने क्या है चाइल्ड मैरिज के लिए लॉ बनवाना चाहा। तो इन 1929 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड, 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट मतलब रुकना, ठीक है, रिस्ट्रेंट मतलब रुकना, रुकावट, ठीक है, एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या बनाया गया, लॉ बनाया गया कि 18 एज, है ना, जो कोई भी आदमी है, ठीक है, नो मैन बिलो 18 एज एंड वुमेन बिलो 16 कुड मैरिड, ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो है धीरे से ये जो लिमिट्स है उसको रेस करके मैन के लिए 21 ईयर्स और वुमेन के लिए 18 ईयर्स कर दिया गया। उसके बाद हमको देखना है कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, सती सिस्टम देख लिया, जो वुमेन एजुकेशन के बारे में देख लिया, उसके बाद चाइल्ड मैरिज के बारे में, अब जो कास्ट और सोशल रिफॉर्म उसके बारे में हमको देखना है। तो कास्टिज्म, ठीक है, हमने देख लिया था जो कास्ट कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रियास हो गया, वैश्यास हो गया, शूद्रास हो गया। तो शूद्रास जो होते हैं वो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें अनटचेबल्स माना जाता है, जैसे जैसे वो वर्क करते हैं उसके हिसाब से उनकी वैल्यू सोसाइटी में होती है।
तो यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स हु हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वो जो ये कास्ट इनइक्वालिटीज है उसके बारे में भी आलोचना किया करते थे। तो राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। उन्होंने क्या है, राम मोहन रॉय ने क्या किया, एक बुद्धिस्ट ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। और उसमें क्या लिखा हुआ था, वो आलोचना करती थी ये कास्ट सिस्टम के बारे में। उसने द प्रार्थना सभा अडहर्ड, अडहर्ड मतलब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रार्थना सभा अडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। तो ये प्रार्थना सभा जो है वो क्या बिलीव करती थी, कि सारे जो कास्ट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, उनकी आत्मा क्या है, इक्वल है। इन बॉम्बे परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोल्यूशन ऑफ कास्ट। और बॉम्बे में 1840 में क्या क्या स्टैब्लिश किया, परमहंस मंडली स्टैब्लिश की, जो अबॉलिश खारिज करना चाहती थी ये जो कास्ट सिस्टम है उसको। मेनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रिफॉर्म एसोसिएशन वे पीपल ऑफ अपर कास्ट, अपर कास्ट। तो ये जो रिफॉर्मर्स है और ये जो मेंबर थे रिफॉर्म एसोसिएशन के, ये कौन थे, पीपल थे जो अपर कास्ट के, वो इस चीजों को करना चाहते थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग द रिफॉर्मर्स हु वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच एंड इन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ द कास्ट प्रेजुडाइज इन देयर लाइफ। तो कई बार जो इस तरीके की सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी जिसमें अपर कास्ट पीपल भी हुआ करते थे, वो वायलेट कर देते थे, मतलब तोड़ देते थे जो कास्ट टैबूज है ना, छूना नहीं है, एक साथ खाना नहीं है, वो सारी चीजों को, ठीक है, ताकि वो मतलब अपने जो अंदर जो उनका जो क्राज प्रिजुडाइज, मतलब वो मतलब एक नापसंदी जो उनके अंदर है ना, उसको वो निकाल सके, ठीक है, उसके परे वो काम कर सके और सबके साथ इक्वल बिहेव कर सके। देर वेर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर। और बहुत सारे जो लोग थे वो क्वेश्चन करते थे कि ये जो इनजस्टिस हो रहा है ये कास्ट ऑर्डर के कारण वो क्यों हो रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लो कास्ट चिल्ड्रन। और भाई आगे समय के बढ़ते बढ़ते जो क्रिश्चियन 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के आते हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो क्या उन्होंने क्या चालू कर दिया, स्कूल सेटअप किया ट्राइबल ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए और जो लोअर कास्ट पीपल है उनके लिए। दिस चिल्ड्रंस वेर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो बदलती जो दुनिया है उसके साथ उनको थोड़ा बहुत कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ, कुछ रिसोर्सेज के साथ उन्हें स्कूल्स में दाखिला करा दिया गया ताकि वो अपना जीवन भी कुछ तरीके से चेंज कर सके। एट द सेम poor began leaving villages to look for job that were opening up in cities। और इसी समय जो है जो गरीब जो है जो villages में रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं, खुद की जमीन नहीं, वो क्या है शहर की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि वो दूसरा जॉब खोज सके। देर वॉज वर्क इन फैक्ट्रीज दैट वेर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनसिपालिटीज। तो यहाँ पे शहरों में क्या है फैक्ट्रीज है ना, नई नई फैक्ट्री सेटअप हो रही है। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था कॉटन हो गया, फिर आयरन की इंडस्ट्रीज हो गई, तो हमने देखा था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है सेटअप होती जा रही थी, तो वहां पे काम था और म्यूनसिपालिटीज में भी बहुत काम हुआ करता था। तो उन काम को करने के लिए जो गरीब जो है गाँव के वो शहरों के ओर रुख करने लग गए। यू हैव रेड अबाउट एक्सपांशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमने देखा था ये सारी चीजों के बारे में। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। और इसके साथ ही जो लेबर्स है ना, लेबर्स की डिमांड भी बढ़ गई। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेट, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन। तो गड्ढे खोदने का काम, मतलब नाली बनाने का काम, ठीक है, रोड्स बनाने का काम हो गया, बिल्डिंग के काम हो गए और सिटी को क्लीन करने का काम, ठीक है, झाड़ू वगैरह लगाने का काम, दिस रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके लिए क्या है पुलिस की जरूरत होती थी, गड्ढे खोदने वाले की जरूरत होती थी, कैरियर्स की जरूरत होती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले की जरूरत होती थी, ब्रिक बनाने वाले की जरूरत, ब्रिक बिछाने वाले की जरूरत होती थी, सीवेज मतलब गटर साफ करने वाले की जरूरत होती थी, स्वीपर्स झाड़ू वगैरह लगाने की जरूरत होती थी, पैलेकन बीरियर्स मतलब पालकी उठाने वाले की जरूरत पड़ती थी, रिक्शा पुलर्स की जरूरत पड़ती थी। तो ये सारे के लिए जो पुअर पीपल है वो आगे आए। तो वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, अब ये लेबर कहाँ से आएगा। तो पुअर पीपल, पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वाज न्यू डिमांड फॉर लेबर। तो ये जो पुअर पीपल है विलेजेस के और स्मॉल टाउन्स के, जो अधिकतर लो कास्ट होते थे, वो अब इस डिमांड के लिए, जो ये लेबर की डिमांड है उसके लिए सिटीज में आने लग गए। सम ऑल्सो वेंट टू प्लांटेशन, वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, मॉरिशस,
ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग जो है प्लांटेशन जो है ना प्लांटेशन वर्क के लिए आसाम मॉरिशियस ट्रिनिडैड और इंडोनेशिया भी चले गए। वर्क इन न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड बट द पुअर द पीपल फ्रॉम लूका सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव है ना अत्याचारी होल्डर द अपर कास्ट लोडर एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। तो ये सब जो नई लोकेशन में जॉब उनको मिल रहा था कठिन था जॉब करना, लेकिन जो है लो कास्ट जो पीपल हैं वो यहाँ जॉब करना ज़्यादा अच्छा समझते थे क्योंकि हार्ड लेबर तो है लेकिन जो उनको जो हमेशा से जो ऑप्रेसिव ठीक है अत्याचारी बिहेवियर उनको सहना पड़ता था जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स के यहाँ अगर वो काम करते थे ठीक है जैसे अपर कास्ट लैंड ओनर्स के यहाँ वो काम कर रहे हैं तो उनको बहुत ही अत्याचार सहना पड़ता था। तो उस अत्याचार से उनको बढ़िया लगता था कि भाई हम किसी फैक्ट्री या कहीं पर भी काम कर लें और उनको जो हमेशा से ह्यूमिलेशन ठीक है हमेशा जो ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा था ठीक है हमेशा जो बेइज्जती का माहौल उनको सहना पड़ता था उससे वो आजाद हो जाएंगे इसलिए वो शहरों की तरफ छोटे छोटे काम के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए कूलीशिप है ठीक है कूलीशिप मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब जो लोअर कास्ट के जो पीपल है जो लेबरर्स है उसको ले जाया जा रहा है दिस कूलीशिप ठीक है नेम इसका क्या नाम है जॉन एली। और ये बहुत सारे इंडियंस को कहाँ ले जा रहा है मॉरिशियस में और जहाँ पे उनको बहुत सारे लेबर है ना लेबर मिलेगा हार्ड लेबर मिलेगा मतलब कठिन काम करने के लिए मिलेगा। मोस्ट ऑफ दिस लेबरर्स आर वेयर फ्रॉम द लो कास्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कुड प्रोड्यूस शूज है ना जो कौन जूते बनाने का काम करता था। तो लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेंप्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच वे सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। तो लेदर वर्कर्स जो है लेदर का जो काम करता है उसको हमेशा से ट्रेडिशनली मतलब हमेशा से ही मतलब तिरस्कार किया गया था उनका क्यों क्योंकि वो डेड एनिमल्स के साथ काम करते थे ठीक है और डेड मतलब हम हमेशा से उसको डर्टी और पॉल्यूटिंग मानते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में देर वॉज ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मी। उसके बाद बहुत ज्यादा डिमांड आई आर्मी के लिए शूज बनाने का। तो ये जो कास्ट प्रोजाइस है ना ये जो कास्ट में नापसंदी है इसके खिलाफ जाते हुए जो ट्रेडिशनल वर्कर्स है लेदर वर्कर्स है और शू मेकर्स है उनको बहुत सारे शूज है ना बनाने का काम दिया गया और इसलिए वो क्या है बहुत ज्यादा प्राइसेस मांगे और बहुत ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है ये मदिकास मदिकास मेकिंग शूज के मदिकास जो है ये चप्पलें बना रहे हैं 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश के पिक्चर है। तो मदिकास वेरी इंपॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट और प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी है मदिकास ठीक है ये क्या है अनटचेबल कास्ट ग्रुप है। तो देवे एक्सपर्ट है ये एक्सपर्ट हुआ करते थे जो हाइड एनिमल की जो स्किन है उसको क्लीन करने में और उससे लेदर बनाने में टैनिंग का मतलब लेदर बनाना है ना हाइड से लेदर बनाना में और उसको चप्पल में सिलने के लिए। देयर वर अदर जॉब्स टू तो यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारे जॉब्स हुआ करते थे जैसे कि आर्मी ठीक है आर्मी में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी और नंबर ऑफ महार पीपल हु वे रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब्स इन महार रेजिमेंट। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट टॉट एट आर्मी स्कूल ठीक है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमको देखना है नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम जो अनटचेबल्स है अगर वो पढ़ना चाहते थे तो उनको क्लासरूम के अंदर कोई जगह नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे दिखा है डुलबास ऑफ गुजरात कैरी मैंगोज टू द मार्केट डुलबास लेबर्ड फॉर अपर कास्ट लैंड ओनर कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स एंड वर्किंग एट अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स फॉर लैंडलॉर्ड हाउस। तो यहाँ पे डुलबा कम्युनिटी के लोग हैं ठीक है ये लेबरर हुआ करते थे काम करते थे मतलब अपर कास्ट जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए काम करते थे या उनके फील्ड्स में काम करते थे और बहुत सारे जो और जॉब्स हैं ठीक है गंदे जो जॉब्स हैं लैंड लॉर्ड के हाउस में उनको किया करते थे। तो जैसे कि आप मैं बता रही हूँ आपको पहले जैसे अभी के जो टॉयलेट्स हुआ करते हैं उसमें फ्लश होता है जो है ना उससे जो जो हम भी जो भी गंदगी है निकल जाती है लेकिन पहले के जो टॉयलेट्स हुआ करते थे उसको क्या करना पड़ता था हाथ से क्लीन करना पड़ता था ठीक है जो ड्रेन है वो नहीं हुआ करता था वहां से उठा के उसको फेंकना पड़ता था ऐसा कुछ रहता था सिस्टम। तो वो ये लोग अब लोअर कास्ट के जो पीपल हैं वो क्या करते थे ठीक है इसके उनको बहुत ही गंदा माना जाता था। तो इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल वॉज नॉट अलाउड इवन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो 1829 के आते आते तक जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ठीक है वहां पे भी
मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉइंट टीचर उसको अलाउ नहीं किया जाता था। अगर कोई मतलब चाहता भी था कि चलो उसको पढ़ना है तो वो क्या है उसको वरेंदा, ठीक है, वरेंदा में बैठ के पढ़ना पड़ता था और आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेसन जो है उसको सुनते थे विदाउट पॉलिटिक, मतलब अगर वो अंदर आ जाएंगे तो वहां पे प्रदूषण फैला देंगे, दूषित कर देंगे वहां का माहौल को, जहाँ पे अपर कास्ट जो बॉयज है वहां पे बैठते थे। तो यहाँ पे हमको देखना है डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये जो है डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमको बहुत सारी चीजों के बारे में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों के बारे में देखेंगे, ज्योति राय फूले के बारे में देखेंगे और टेंपल्स में एंट्री मिलती थी नहीं मिलती थी इनके बारे में देखेंगे, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उन्होंने भी कुछ मूवमेंट्स लॉन्च किए उनके बारे में हमको देखना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम देखेंगे और ब्लैक स्लीव्स और व्हाइट प्लांटर्स के बारे में देखेंगे, तो क्या होता है ब्लैक स्लीव्स, ठीक है, ब्लैक गुलाम, ठीक, और व्हाइट प्लांटर्स क्या होते हैं, ये चीजों के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट फीचर लेक्चर बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है हिस्ट्री में पढ़ना और पढ़ाना, तो वीडियोस में बने रहिए और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मैं सारे लेसन जो है उसको कवर करूंगी और अगर वीडियोस और अच्छे लगते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।